साथियों नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट आप लोगों को प्रणाम करता हूं। नंदन वंदन अभिनंदन आप लोगों का। आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, अपना प्यार मुझ पर लुटा रहे हैं, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आज हम लोग बात करेंगे आरटीआई पर, आरटीआई की फाइनल अपील, आरटीआई की सेकेंड अपील जो है, फाइनल अपील जो है, जो कि कमीशन में होती है, राज्य सूचना आयोग में और केंद्रीय सूचना आयोग में। वो बड़ा ही क्लिष्ट एक विषय है, बड़ा ही पेचीदा विषय है, बड़ा ही एक ऐसा विषय है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे, उसी पर बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगा सारी बारीकियां, कैसे आप आरटीआई को फाइल कर सकते हैं कमीशन में। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हर जरूरतमंद तक मेरी वीडियो पहुंच सके। बाकी मेरे वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, आप लोग लगातार वीडियो को देखें। स्किप करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, आगे पीछे चला चला के ना देखें। स्केप करने का मतलब होता है आगे पीछे ना चलाएं, सीधा मेरे वीडियो को देखें। उसके बाद भी आपको लगता है कुछ रह गया, कुछ छूटा है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपको उसका आंसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोग आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब देंगे। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेकर आए हैं आरटीआई से। आरटीआई अधिनियम 2005 में पूरे देश में लागू हुआ, उसके बाद लगातार भ्रष्टाचार की परतें खुलती गई, आरटीआई से लगातार पोल खुलती गई, तमाम भ्रष्टाचारी बेनकाब हुए, तमाम भ्रष्टाचारी जेल गए। लेकिन कहीं ना कहीं आरटीआई की जो चीज़ें हैं वो रुकावट पैदा करती हैं सूचना लेने में ही। वो उन चीज़ों में प्रमुख रूप से जो आता है वो आता है आरटीआई का प्रचार प्रसार। आरटीआई के बारे में बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम कि उसकी आरटीआई का आवेदन आपने दिया तो उसके बाद अगर सूचना नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, आप आरटीआई का आवेदन देते हैं, नहीं सूचना मिलती है, 30 दिन की समय सीमा है, नहीं मिल रही सूचना, तो आप फिर उसकी फर्स्ट अपील करते हैं, प्रथम अपील जवाब करते हैं, उसके बाद भी 30 दिन की समय सीमा है, नहीं मिल रही है सूचना, तो फिर लास्ट में ऑप्शन बचता है कि आप कमीशन को आप कंप्लेंट करें। कमीशन में सेकंड अपील होती है, इसको अंतिम अपील भी, फाइनल अपील भी कहा जाता है, वो कमीशन में होती है। अब कमीशन में निर्धारित करने से पहले आप किस कमीशन में जाएंगे, आपको ये बिल्कुल सोच समझ के तय कर लेना चाहिए। यहाँ पे सबसे अच्छा फंडा ये है कि जो जो भी विभाग राज्य सरकार के अधीन है, जो विभाग राज्य सरकार कंट्रोल करती है, उनको चलाती है, उन सबकी जो अपील होगी, फाइनल अपील, वो राज्य सूचना आयोग को जाएगी। और जो विभाग केंद्र सरकार के अधीन है, जिन विभागों को केंद्र सरकार चलाती है, उनकी अपील अगर होगी तो वो केंद्रीय सूचना आयोग में आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अपील जो है वो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19 में बताया गया। अपील के बारे में धारा 19 में ही बताया गया कि प्रथम अपील कब होगी, और धारा 19 में ही बताया गया कि सेकेंड अपील इसकी कब होगी। तो सबसे पहले आपको अधिनियम को पढ़ना भी जरूरी है। मेरी आप सबको सलाह और रहेगी, जितने भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं या जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं या जो भी चाहते हैं कि आरटीआई से समाज का कुछ भला कर सकें, आप सब लोग पहले एक आरटीआई का एक छोटा सा एक अधिनियम ले लीजिए, बहुत छोटा है, उसको पढ़िए, स्टडी करिए। सेक्शन 19 में अपील दिया गया है। अपील जो होगी वो सबसे पहले जो भी आपने आवेदन किया उसके डॉक्यूमेंट इस तरीके से होंगे, अपील आप ड्राफ्ट करेंगे, सेक्रेटरी जो होगा सचिव राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग, उनके एड्रेस केंद्र सूचना आयोग दिल्ली भारत सरकार, राज्य सूचना आयोग जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो राज्य सूचना आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार, उनके सचिव को आप अपील प्रेषित करेंगे, उनका नाम लिखेंगे ऊपर। और आरटीआई रूल्स, यूपी में आरटीआई रूल्स लागू हैं, आरटीआई रूल्स के जो परफॉर्मा है उनके मुताबिक आप आरटीआई को तैयार करेंगे। आप उसमें लिखेंगे कि मैंने आवेदन दिया, मुझे जो सूचना आधी अधूरी मिली या नहीं मिली उसके बारे में जिक्र करेंगे। फिर आप लिखेंगे कि मैंने अपील भी दी, प्रथम अपील करी, उसके बाद जो आपको आधी अधूरी सूचना मिली या नहीं मिली उसका भी आप जिक्र करेंगे, उसको भी उसमें मेंशन करेंगे। इसके बाद आप जो लास्ट में लिखेंगे कि अब मैं कमीशन में अपील करने को बाध्य हूँ और मुझे कमीशन में अपील मैं भेज रहा हूँ, मेरी अपील को स्वीकार करके और इसको सुना जाए। निश्चित तौर पर आपकी अपील सुनी जाएगी। आपको करना ये और है साथ में कि किसी भी कमीशन में जब अपील को आप सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट करने के वहाँ पर 3 तरीके हैं। आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, आप ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं, या आप बाय पोस्ट सबमिट कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। तीनों ऑप्शंस में, तीनों तरीकों में से जो आपको ठीक लगे वो तरीका आप चुन लें। आरटीआई को पोस्ट कर दें और आरटीआई जो जाएगी आपकी वो 3 सेट में जाएगी। सबसे पहले आप आरटीआई की अपील तैयार करें, उसके बाद जो आवेदन है वो लगाएं, डाक टिकटें हैं, आईपीओ है, उसकी जो भी कॉपी आपके पास है वो लगाएं, उसके बाद वो जवाब जो वहाँ से मिला वो आप लगाएं, उसके बाद आप अपील लगाएं, अपील के बाद जो भी उसकी प्रतिक्रिया, अपील अधिकारी ने आपको पत्र दिया नहीं दिया वो लगाएं,
अपना एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाए, इसका एक सेट बनाएं, और इस सेट की फिर आप दो फोटो कॉपी, तीन फोटो कॉपी और कराएं। एक फोटो कॉपी का पूरा सेट अपने पास रखें भविष्य के लिए, जब आप कमीशन में हाजिर होंगे तब के लिए। दो सेट उसके साथ आप इनक्लोज कर दें कमीशन के लिए। कमीशन आपकी आरटीआई अपील को तभी स्वीकार करता है जब आरटीआई का जो अपील है वो तीन सेट में होता है। कमीशन का स्पष्ट निर्देश है, आरटीआई अधिनियम में भी है कि आप जो है अपनी अपील जो फाइल करेंगे वो तीन उसके सेट होने चाहिए, तीन सेट में आप अपनी अपील को फाइल करें। दूसरा, जब आप अपील दे रहे हैं तो जिससे आपने सूचना मांगी, जनसूचना अधिकारी जिस विभाग के हैं वो, दूसरा अपील अधिकारी जिनसे आपने सूचना मांगी, जनसूचना अधिकारी अपील अधिकारी, उनको आपको जो अपील आप भेज रहे हैं उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी आपको भेजनी होगी उन लोगों को। कमीशन ये भी सुनिश्चित करता है, कमीशन ये चाहता है और ये लॉ है कि जब आप अपील में जा रहे हैं तो जनसूचना अधिकारी को और अपील अधिकारी को उसकी एक सूचना उपलब्ध करवाएंगे, ये भी एक लॉ है। तो आप इस बारीकी को भी ध्यान में रखें कि आप अपील जो भेजें सबसे पहले तीन सेट उसके तैयार करें, उसको पोस्ट से भेज सकते हैं, स्वयं जाकर के जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। उसकी जो अपील आप भेज रहे हैं उसकी दो कॉपी बनेंगी अलग से, तीन के अलावा दो कॉपी अलग से बनेंगी, एक जनसूचना अधिकारी को जाएगी, एक आपकी अपील अधिकारी को जाएगी। जब आपको नोटिस आएगा कमीशन का और जब आप सुनवाई पर पहुंचेंगे उस वक्त आपके पास जो अपील अधिकारी और जनसूचना अधिकारी को जो आपने भेजा है उसकी डाक रसीदें आपको वहां पेश करनी होंगी कमीशन में। अगर आपकी डाक रसीदें वहां पेश नहीं होगी, अगर आप नहीं कर पाए, आपसे खो जाती है या आपने नहीं भेजी है, तो कमीशन को पूरा अधिकार होगा कि आपकी जो भी जो आपकी जो अपील है उसको खारिज कर दे। तो इन बारीकियों से बचें, इन गलतियों से बचें, बारीकियों को सीखें और अपनी अपील को सही तरीके से फाइल करें। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, अभी शॉर्ट में इतना बता सकता था, मैंने आपको बता दिया। फिर भी आप लोगों की कोई क्वायरी हो, आप लोग जानना चाहते हो या आप लोग अलग से इस विषय पर मुझसे कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे मैसेज करें, मुझे व्हाट्सएप पर आप लोग लिखें, मैं अलग से आपके लिए एक बड़ा वीडियो जिसमें सारी जानकारी होगी वो मैं आपके लिए पेश कर दूंगा। या आप लोग चाहें तो आप मुझसे लाइव भी आकर के जुड़ सकते हैं इस विषय पर बात करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे आकर के या मैसेज में मुझे आपको लिखना होगा कि इस विषय पर आपको और जानकारी चाहिए और मैं लाइव आऊँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव आऊँगा, वरना मेरे वीडियो आते रहेंगे, मैं लाइव नहीं आऊँगा। आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव आऊँगा। तो बस आज के लिए इतनी जानकारी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी पूरी मदद तत्परता से, पूरे मन से, पूरी लगन से करने को तैयार हैं। झंडा उठाइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करिए। बाकी मैं और मेरी पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मदद करने को तैयार हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।